आज गया समाहरणालय के सभाकक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने पितृपक्ष मेला में की गई व्यवस्था के बारे में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेला क्षेत्र में 252 से अधिक CCTV कैमरा पूरे मेला क्षेत्र में लगाया गया है। यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएँ प्रदान की गई है, जिससे चोरी चकारी और पॉकेटमारी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सामान की देखरेख के लिए पुलिस को तैनात किया गया है और उसे टोकन लेकर यात्री अपने सामान को उनके जिम में रख सकते हैं। बहुत सारे पुलिस सिविल ड्रेस में व्यवस्था की गई है, जो ऐसे संदिग्ध लोगों पर ध्यान रखेंगे। मेला क्षेत्र में यातायात थाना की स्थापना की गई है। बड़े बुजुर्ग और विकलांग लोगों के लिए स्टेशन से लेकर अन्य क्षेत्रों में जाने आने के लिए ई रिक्शा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जगह जगह पर लाइट और सुरक्षा के अलावा नया ऐप्स दिए गए हैं। मोबाइल नंबर हर जगह की होर्डिंग लगाई गई है, जिससे वो लोग अपनी सहायता पुलिस से ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो, इसका पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। और इस बार कुल 7 पिंडदान कुंडों की सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, और उसमें जो पिंडदान किया जाता है 24 घंटे के अंदर, पहले तो मैनुअल था, अब उसमें मशीन के द्वारा पिंडा किए गए सामानों को उसे निकाला जा सकता है, और ख़राब पानी को निकालने के लिए मोटर की व्यवस्था की गई है। गया से I7 के लिए RK निराला की रिपोर्ट। और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि जो पूरा पितृपक्ष मेला है वो उत्सव के माहौल में मनाया जाएगा, और जो भी बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उन सभी को केवल की रक्षा दी जाएगी, बल्कि एक पॉजिटिव पॉलिसिंग और एक ह्यूमन पॉलिसिंग भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो नागरिक सुविधाएँ हैं और जो अपनी तरफ से उनको फैसिलिटेट किया जा सके पुलिस बल द्वारा। इसके अतिरिक्त जो है देवघाट पर जो कि काफ़ी भीड़ रहती है, उसके लिए हम लोगों ने अलग से सुरक्षा की व्यवस्था की है। देवघाट में पुलिस ड्यूटी रहेगा स्थायी। उसके अलावा जो वहाँ घटनाएँ हो जाती हैं यात्रियों का सामान वगैरह उठाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने वॉच टावर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। और उसके अलावा नदी किनारे जो स्नान करने के लिए यात्री जाते हैं, उनके सामानों की चोरी नहीं होती है, इसके लिए हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों को टोकन देकर यात्रियों के सामान की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो काफ़ी व्यापक पैमाने पर लोगों ने तैयारियाँ की और हम लोग होपफुल हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इंसिडेंट फ्री पितृपक्ष मेला सम्पन्न कराया जाए। रूप से जिला प्रशासन देखिए, इस बार पितृपक्ष मेला 12 सितंबर से 28 सितंबर तक चालू हो रहा है। इसको उसमें विधि व्यवस्था की गई है, जिसमें 72 से ज़्यादा पुलिस शिविरी सेक्टर्स 41 जोन में बनाया गया है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो सफाई की व्यवस्था हो, जलापूर्ति की व्यवस्था हो, आवासन की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, लोगों को विभिन्न सुविधाएं देने की व्यवस्था हो, वो बेहतरीन। साथ में ही रेलवे प्रशासन द्वारा भी दो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं इस पितृपक्ष मेला में, जो कि हबीबगंज से गया और गया हबीबगंज है, सप्ताह में 4 दिन चलेंगे, और जबलपुर से गया और गया जबलपुर है, जो कि सप्ताह में 3 दिन चलेंगे। इसके साथ ही हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो यात्री आते हैं या श्रद्धालु आते हैं, उनको यातायात का बेहतर व्यवस्था दी जा सके, जैसे रेलिंग बसेज हों, ई रिक्शा हों, या प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था हो सकती है। विधि व्यवस्था और सुरक्षा के लिए 250 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें IP बेस्ड कैमरे, जिसको कि बड़ा पदाधिकारी कंट्रोल रूम से भी देख सकते हैं और हमारे अपने मोबाइल से भी हम लोग उसको देख सकते हैं, और उसके द्वारा भी हम लोग सीनियर पदाधिकारी हमारे सबसे और नीचे लेवल पर भी लोग उसको अपने लेवल पर उसको मॉनिटर करते हैं। साथ ही इस बार एक बार विशेष प्रयास यह भी रहेगा कि जो आवारा पशु होते हैं मेला क्षेत्र में, जो सरोवरों का कार्य किया गया, जीरोधार कार्य किया गया, घाटों में जो है उसको हम लोग मेनटेन कर सकें और लोगों का लाभ मिल सकता है।
और यह भी प्रयास इस बार रहेगा हम लोग का कि जो पिंडदान के अवशेष होते हैं वो अवशेष को हम लोग कंपोस्टिंग बना सकें। पिछले कुछ वर्षों में इसको मैनुअल मेथड से बनाया जाता था क्योंकि फिट विदेश इस बार मशीन रखी गई हैं, कुछ 5 मशीनें हैं जिसके माध्यम से ये 24 घंटे के अंदर इसको हम लोग कंपोस्ट बना सकेंगे और इस वर्ष मुझे लगता है कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक नई गया जी की छवि मिलेगी और मैं सभी गया वासियों से हमारा जो ध्येय है अतिथिदेवों का उसकी उसी श्रद्धा और उसी समर्पण के साथ सेवा कर सके। सिविल सोसाइटी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो बड़ी संख्या में इस दौरान उनके द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए जाते हैं, चाहे पानी के हो, चाहे वो खाने के हो या विभिन्न यात्रियों को सुविधा देना, और यह सभी 28 तारीख तक पितृपक्ष मेरा महासंग्रह को इस बार हमें नया आराम स्थान का जमावड़ा जी हाँ बिल्कुल भिखारियों का एक मेजर समस्या रहती है खासकर प्रमुख वेदियों के आसपास, और इस बार यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रमुख वेदियों के पास भिखारियों का जमावड़ा ना हो, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा को शांत से जिम्मेदारी दी जा सकती है और लोगों को रोजी की हम लोगों का प्रयास रहेगा भिखारियों एज वेल एज छोटी मोटी घटनाएँ होती हैं उनको भी हम लोग इस बार कम से कम लग रहा है। सर पिछले साल के अनुभव के आधार पर इस वक्त क्या बेहतर और अलग दे रहा है जिला प्रशासन? पहला तो हम लोगों का जो हृदय के प्रोजेक्ट पिछले साल कंप्लीट नहीं हुए थे, इस बार 7 में से 6 प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुके हैं और उसमें सभी सरोवर और सभी घाटों के हम लोग फाइनल कर चुके हैं इंक्लूडिंग लाइटिंग। जो हम लोगों का प्रोग्राम भी होना है वो भी नए मंच पे हो रहा है जो आपने देखा होगा और वो भी आप आगे इसी को यूज़ किया जाएगा। दूसरा सभी सरोवरों में पंपिंग इन पंपिंग आउट की व्यवस्था की गई है पानी का, जो सोलर पंप और नॉर्मल पंप के माध्यम से, जिससे कि पानी साफ रहे। तो ये हमेशा से एक हम लोगों का चिंता की विषय रहती थी कि पानी जो स्टैगनेंट है तो साफ कैसे रहता है। और तीसरा इस बार हम लोग जो पिंडदान ऐप रखे हैं वो काफ़ी बृहद है और उसमें एक व्यक्ति अगर अपने घर से शुरू करना है और वापस उसको पहुंचना है तो सारे इन्फॉर्मेशन सारे टाइप उसके पास उसमें उस ऐप में उपलब्ध हैं, वो उसका लोगों का लाभ है। 50 के आसपास ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं जो वृद्धों के लिए और विकलांगों के लिए उसका लाभ मिलेगा। आवारा पशुओं का एक बड़े स्केल पर हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम पकड़ कर रखें और वो रखने को चारा मिलेगा, इसके लिए 11 लाख का आवंटन भी मिला है राज्य सरकार की तरफ से ताकि पशुओं का चारा और अन्य व्यवस्था की जा सके। विद्युत खासकर जो इल्यूमिनेशन होता है लाइटिंग के लिए एक विशेष प्रयास किया जा रहा है ताकि मेरा क्षेत्र में आसपास हम लोग लाइटिंग डेवलप कर सकें। पिछले वर्ष हम लोगों के पास LED लाइट नहीं था शहरों में, इस वर्ष LED लाइट भी रख चुका है सभी मार्गों में, उसका भी लाभ मिलेगा। सभी नालियों को कवर किया गया है लोहे की जालियों से ताकि एक बेहतर गया की चुके। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इस वर्ष यह जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं इससे श्रद्धालुओं को ठीक है सर। कितनी राशि खर्च की गई सर? अलग अलग डिपार्टमेंट का है, हमें तो 1,30,00,000 मिलता है राजस्व विभाग से, बाकी अलग अलग इसमें। एक सप्ताह पूर्व विमल जो है महिला के साथ राजस्थान से लोग करके यहाँ आ गया था, तो वो गया करिए थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं और जो प्राथमिक सूचना मिल रही है उसमें ये है कि महिला के पति और उसके अन्य सहयोगियों द्वारा जो है फिलहाल पुलिस ने महिला के पति और उसके ससुर को आरंभिक पूछताछ के हिरासत में ले लिया है और आगे जो भी प्राथमिकी अंकित कराई जाएगी उसके आधार पर। मेला क्षेत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितना है? मेला क्षेत्र को लेकर जैसा कि बताया गया है कि हम लोगों ने 72 अस्थायी पुलिस स्टेशन बनाए हैं, इसके अलावा मेला क्षेत्र के अलग से एक अस्थायी पुलिस थाना बनाया गया है जिसमें इंस्पेक्टर है पदाधिकारी को 185 सेक्टर्स में पूरी मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। यात्रियों के सामान की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से देव पूर्व में चार घंटे हुआ करते थे, इस वर्ष 64,000 डॉक्टरों की प्रतिष्ठा की गई है इस दौरान, जिसमें से 40 डॉक्टर सरकार से ड्यूटी किया गया है। नगर निगम द्वारा अस्थायी पंचशाला चारों की व्यवस्था की जाती है जिसमें की डेयरी के और पानी का व्यवस्था किया जाता है। इसके अलावा टैंकर्स नगर
किए जा रहे हैं और पीएचडी के परिणाम किए जा रहे हैं। जो सफाई की व्यवस्था है बहुत मोटी के माध्यम से की जा रही है, जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था 9 जो वार्ड है महिला आरक्षण पड़ते हैं उन सभी 9 वार्ड का बहुत मोटी की माध्यम सफाई हो। अन्य जगहों से 3 पार्टियों से 2 पार्टियों से भले द्वारा सफाई की जाएगी, जिसमें कि 27 पर्यवेक्षक रहेंगे जिला क्षेत्र 49 पूरे शहर में और करीब 1200 से ज़्यादा सफाई कर्मी इसमें लगाए गए। इसके अतिरिक्त आज सुबह करीब 50 ई रिक्शा जो निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है बिहार सरकार द्वारा पर्यटन विभाग द्वारा, विशेषतः जो दिव्यांग हैं असहाय हैं बाजार हैं या फिर वृद्ध उनके लिए, और ये पूरे जिला क्षेत्र के परिक्रमण करेगा खासकर स्टेशन से बस पार्किंग से और रेलियों के बीच में परिक्रमण होगा।